वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। मैं सूरज राज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस, आज हम देखेंगे जो भी छात्र यूपी के आल यूनिवर्सिटी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं, तो यूपी आल यूनिवर्सिटी, ठीक है, 2022 में आने वाले क्वेश्चन। देखिए, इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाएंगे। इन क्वेश्चनों की संख्या लगभग में 16 से 18 क्वेश्चन होंगे। और मैं आपको बता दूं, आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस कलर को चेंज कर लेता हूं, आपको ये पता होगा कि आपके जो पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग पूछे जाते हैं, देखिए 18 से 20 क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। 18 से 20 क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं और आपको करना क्या होता है, लगभग में 13 से 14 या फिर 15 क्वेश्चन करने होते हैं। 13 से 14 या फिर 15 क्वेश्चन आपको करने होंगे और 18 से 20 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि अथवा में बनेंगे, ऐसे करके बनते हैं, ठीक है। और आपको, हम जो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं वो 16 से 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन होंगे। आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना, बाकी कुछ मत पढ़ना। मैं बोल रहा हूं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हैं, बनारस यूनिवर्सिटी से हैं, महात्मा गांधी काशी विद्या MJPRU रोहलखंड से हैं, आगरा यूनिवर्सिटी से हैं, सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी से हैं, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से, जिस भी यूनिवर्सिटी से, यही क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं देखना, यही आएंगे आपके एग्जाम में। अब आपको देखना है किस तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़ना है। फिजिक्स का सेकेंड पेपर है, फिजिक्स का फर्स्ट पेपर मैं पहले से अपलोड कर रखा हूं, फिजिक्स का फर्स्ट पेपर जो है मैं पहले से अपलोड कर रखा हूं, ये सेकंड पेपर है। तो आपको सेकंड पेपर में क्या देखना है, बीएससी थर्ड ईयर वालों, अपने बुक नोट्स गेस्ट पेपर जो भी है आपके पास, जो भी मार्केट से सीरीज वगैरह लेके आए हैं उसमें आप टिक लगा लीजिए। देखो क्या देखेंगे, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी जिसे कहते हैं फर्मी ऊर्जा। फर्मी एनर्जी जो होती है, ये आपसे पूछता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, फर्मी ऊर्जा क्या होती है, आप इसको याद करेंगे। उसके बाद में आता है गैसों के बॉन्ड सिद्धांत, ठीक है, या फिर ऊर्जा बॉन्ड संरचना के बारे में, ठीक है, एनर्जी बॉन्ड स्ट्रक्चर के बारे में ये क्वेश्चन बनता है। यहां से मानिए ये क्वेश्चन बनेगा, शॉर्ट में बनेगा आपसे, ध्यान रखिए। चालक, अचालक और अर्धचालक, चालक की परिभाषा, अचालक की और अर्धचालक, इन तीनों की परिभाषाओं को आपको याद कर लेना है। श्रृंखला अभिक्रिया किसे कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट है और बेटा ये भी मोस्ट है, समझ रहे ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। और चालक, अचालक, अर्धचालक, ये जब तीनों ये एक साथ आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, और अलग अलग आएंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो यहाँ है मिलर सूचांक क्या होता है, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अल्फा 6, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये हर साल क्वेश्चन में बनता है। आप खुद आप अपने बेस्ट पेपर नोट्सों में इन क्वेश्चनों को देखेंगे ना तो आपको भरोसा होगा कि यही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि देखो आपका जो सीरीज वगैरह होते हैं उसमें 60-70 क्वेश्चन पूछता है, मतलब दिए होते हैं उनके आंसर वगैरह सब सही, 60-70, उनमें से केवल आपको 17-18 क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं पढ़ना है, समझ रहे हैं, और अच्छे नंबर से आप पास हो गए। यहाँ देखो डायमंड की संरचना, डायमंड जानते हो, डायमंड के 7 क्रिस्टल होते हैं, सही है, 7, मतलब कि इसका इस तरीके से कह सकते हैं ऐसा होता है डायमंड, ठीक है, सब तरीके 7 क्रिस्टल। तो यहां देखो क्रिस्टलों के 7 समुदायों के उल्लेख करिए भाई, ये डायमंड की संरचना और 7 जो होता है, 7 जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, सिस्टम होते हैं कह सकते हैं, 7 सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में आपको याद कर लेना है, यही डायमंड की संरचना के आधार पर ही ये पूरा क्वेश्चन यहाँ दे रखा होता है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है ये, ठीक है, डायमंड की संरचना या फिर ये देखो क्रिस्टल के जालक, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रिस्टल के प्रकार आपसे पूछ लेता है कि क्रिस्टल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे होते हैं, और साथ ही साथ आपसे पूछता है जालक तल, क्रिस्टल का जालक तल के बारे में वर्णन करो, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, यहाँ देखिए आयनिक बंद क्रिस्टल क्या होते हैं, मतलब आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं वो आप देखें, उसके गुण बताइए। देखो ये क्रिस्टल के प्रकार हो गए, आयनिक क्रिस्टल हो गया, त्रिविम क्रिस्टल, जालक हो गया, ठीक है। नाभिक की संरचना मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, नाभिक की संरचना मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। आयनिक क्रिस्टल ये जो बॉक्स में बंद कर रहा हूं, यही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन की प्रभावी द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान का मतलब होता है इफेक्टिव मास, देखो ये है इलेक्ट्रॉन का प्रभावी, ठीक है, जो इफेक्टिव द्रव्यमान होता है उसके बारे में आपको देखना है, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको देखना है ना। नाभिक के मूल गुण, नाभिक जो होता है हमारा न्यूक्लियस होता है, उसके गुण क्या हो, कौन कौन से होते हैं, उस गुणों को देख लेना है, प्रॉपर्टीज के बारे में। और न्यूट्रॉन जानते हैं, न्यूट्रॉन सूचांक, न्यूट्रॉन सूचांक को पढ़ लेना है, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन टिक लगाते रहिए, यही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है। ये है द्रव्यमान की क्षति एवं बंद ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी को देख लेना है और द्रव्यमान की क्षति, ठीक है, द्रव्यमान की क्षति, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि द्रव्यमान की क्षति पर एक वर्णन बताओ, ठीक है, या फिर ऊर्जा बॉन्ड क्या होता है, ये क्वेश्चन दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे। नाभिक के देखो कह रहे हैं, नाभिक बलों के लिए
जो क्यूबा का मैसन सिद्धांत था, एक क्यूबा ने एक मैसन सिद्धांत दिया था नाभिक के बलों के लिए, नाभिक फोर्स के लिए दिया था एक सिद्धांत, ठीक है, मैसन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ये पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक पिरामिड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, और ये भी आपको जो कह सकते हैं मेशान का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पढ़ के जाना। उसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये वाला देखो, नाभिक के द्रव द्रव बूंद मॉडल मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसकी असफलताओं के बारे में, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा, इसको ध्यान से रख लिया। इसको देखो प्राकृतिक रेडियोएक्टिविटी किसे कहते हैं, इसको आप पढ़ के जाएंगे। और आप ये देख रहे हैं ना गागर मूलक वृत्र, ये सूत्र आपसे फार्मूला जो होता है, ठीक है, इसको आपसे पूछता है बहुत ज्यादा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो गाइगर मूलर जो गणित है उसके बारे में बताइए। क्रिस्टल द्वारा एक्स किरण का विवर्तन, मतलब कि एक्स किरण का विवर्तन किस तरीके से होता है, ठीक है, उसका आपको लाउ विधि का वर्णन करना होता है, लाउ विधि आप पढ़ लेना किस तरीके से लाउ विधि में वर्णन किया गया। उसके बाद में देखो ब्रैग समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्रैग समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़िए। और यह है वल्डर वाल्स वॉन्ड, इसको पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नाभिक विखंडन नाभिकीय बल, देखो नाभिक का विखंडन कैसे होता है, नाभिकीय बल, नाभिक न्यूक्लियस फोर्स क्या होता है वो आप पढ़ेंगे। और घरणीय क्रिस्टल की विधि कैसी होती है ये पढ़ के जाएंगे। क्रोनिंग पीनी मॉडल जो होता है इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आता है परम शून्य ताप पर जो होता है, परम शून्य पर औसत मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा, मतलब कि जो परम शून्य ताप होता है, जीरो जो टेम्परेचर होता है उस पर मुक्त ऊर्जा जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ऊर्जा वो कैसे वो निकालते हैं वो हमें यहाँ फार्मूला निकालना होता है। साथ ही साथ लास्ट में आप नाभिक की संरचना मैं ऊपर बता चुका हूँ तो यहाँ आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में ये देखिए बीटा किरणों के रेखीय स्पेक्ट्रम आंतरिक रूपांतरण के बारे में, ये यदि क्वेश्चन आपके बुक में दिया हो तो पढ़ लेना, ना दिया हो तो छोड़ देना, ठीक है, दिया हो तो पढ़ लेना, ना दिया हो तो छोड़ देना। लास्ट में ये बोल देखो, लास्ट में ये क्वेश्चन देख रहे हैं परमाणु बम्ब के बारे में, परमाणु बम्ब की संरचना स्ट्रक्चर के बारे में आप देख के जाएंगे। अल्फा 6 मैं ऊपर बता चुका हूं तो यहां नहीं पढ़ना है। जालक कंपन क्या होता है, जालक कंपन को पढ़ लेना। और ये है नाभिक अभिक्रिया का क्यू मान, हॉल इफेक्ट देख रहे हैं ना, हॉल इफेक्ट इसको पढ़ लेना है। नाभिक अभिक्रिया के क्षण जो कह सकते हैं क्षण नियम है, ठीक है, सॉरी लक्षण और नियम, जो नाभिक अभिक्रिया होती है कैसे न्यूक्लियर रिएक्शन कह सकते हैं, इसके जो लक्षण क्या है और इसके रूल क्या होते हैं वो आपको पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है। क्यू मान पर जरूर पढ़ लेना, बस इतना आपको देखना है। 2022 के एग्जाम के लिए यही आने वाले हैं बेटा, इन क्वेश्चनों को पढ़ना है और 85% प्लस लेके आना है, सब कुछ यही मिलेगा। पेपर जैसे ही हो जाए व्हाट्सएप में हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप फोटो खींच के भेज दीजिए जो भी पेपर होता है ताकि उसका रिव्यू करा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना है, और जो न्यू चैनल खोला है खिलाड़ी भाई XYZ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।